आओगे मुझे लेने, हकीम के पास ले जाने? थोड़ा दर्दें और बढ़ने दो ना, जब दर्द बढ़ जाएगी फिर ले चलूंगा। फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे क्यों भाई? वो यूं के मैंने गुल्लू से बस तलाक मांगी। ओ शेर की बच्ची, ये किया ना काम तूने। मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना, वो मेरा एक व्हील जिल्लत के गड्ढे में गिर गया। अच्छा 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 अच्छा, बड़ा फलसफा बोलने लग गया भाई। मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो एक पहिया तू हुआ, एक तेरी बीवी हुई। अरे शाहूद अलवी भाई, ये आप ही के लिए रोल लिखवाया है, ये आप ही का है। हाँ हाँ, कल ऑफिस आ जाए ना, कल डन कर लेते हैं, ठीक है? मैं बाद में बात करता हूँ। अब तू बच नहीं सकता शद्दी के बच्चे। अबे गुल्लू भाई, दो मिनट मेरी बात तो सुन लो, क्या कर रहे हो ये? बच नहीं सकता तू, कई बार सुनसान रोडों पे डाकुओं का मुकाबला किया है। मेरी बात तो सुन लो गुल्लू भाई। अब नहीं सुनूंगा। बस अब इससे ज्यादा मैं तुमको आजमा नहीं सकता, नहीं आजमा सकता मैं। तू मुझे आजमाएगा? हाँ, आजमा रहा था मैं तुमको, तुमको और नीलोफर बाजी, नीलोफर बहन को भी। मगर आज तुमने ये हरकत की है ना मेरे साथ, इससे ज्यादा और मैं क्या आजमाऊं तुमको, नहीं आजमा सकता मैं तुमको। ओ तू मुझे क्यों आजमाएगा, किस लिए आजमाएगा तू मुझे? बस दो मिनट मेरी बात सुन लो। उसके बाद भी अगर तुमने मुझको मारना ना, कत्ल करना है, कसम से गाय की तरह इसे गर्दन छोड़ दूंगा। दिमाग कर देना दिमाग से तो मुझको। चल बोल गुल्लू भाई। बहुत गुनाहगार आदमी हूं मैं, बहुत गुनाहगार। ओए वो तो तू है, बोलने की क्या जरूरत है? बस अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहता हूँ। अबे तेरे कफारे से मेरी बीवी का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है गुल्लू भाई, आपका भी और आपकी बीवी नीलोफर बाजी बहन का भी ताल्लुक है। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया के अंदर। ओए तू ड्रामेबाज है, तूने कहानियां सुनाना शुरू कर दी है और टाइम को डालना दो। अबे गुल्लू भाई, जब तक पूरी बात इसको तो नीचे कर दे, पूरी बात नहीं सुनोगे तो समझोगे कैसे, कैसे समझोगे ये बताओ मुझे। चल फिर फटाफट सुना, उसके बाद मैंने तुझे कत्ल भी करना है। मेरे पास ले देके एक मकान ही तो है, तो मैंने सोचा इस दुनिया से चला जाऊं कोई नेकी करके, तो आधा अपनी बेटी के नाम और आधा कोई ऐसे खुददार आदमी के नाम कर जाऊं जो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, खुददार आदमी तुम्हारे जैसा। ओए लंबी बातें मेरे साथ ना कर। एक बहन की कमी थी, इसके बाद मैंने लोगों को आजमाना शुरू कर दिया। एक्टिंग के लिए आती थी, मैं कह बहन आ जाओ एक्टिंग कर लो, कह लें बहन वहन कुछ नहीं दोस्ती कर लो। अब मुझे बताओ कौन बहन बन रही है मेरी, कोई नहीं बन रही, किसके नाम करूं ये मकान, किसके करूं बताओ मुझे। ओए ओए इन बातों से मेरा या नीलोफर का क्या ताल्लुक है? है गुल्लू भाई ताल्लुक है, तुम्हारा और नीलोफर बहन का ताल्लुक है। एक दफा बैठ के मेरी बात सुन ले गुल्लू भाई, उसके बाद कत्ल कर दी, मेरा तो कोई भी नहीं है। आजा, जब से तेरी सुन रहा हूं। बैठ जा मेरा भाई, बैठ जा, बैठ जा। आ गई तू? हाँ तो आना ही था, मेरा घर जो है, ब्याह कर आई थी, मर के जाऊंगी। मर के नहीं जाएगी, तलाक लेकर जाएगी तू यहाँ से। कागजात लेकर आई है जो तुझे मैंने बोला था? तुमने दोपहर को फोन किया, मैं तुझसे क्या पूछा, कागजात लाई या नहीं? नहीं कागजात तो। चलो ठीक है, तू कागजात नहीं लेकर आई ना, अब तुझे मैं तलाक का कागज देकर तेरे घर भिजवाता हूँ। रुक जरा एक मिनट, तो अभी तुझे लिख के देता हूँ मैं। गुल्लू भाई
गुल्लू भाई, ये जो आपने मुझे नीलो पर बहन के साथ देखा था ना, मोस्टर साइकिल पे, घर में, रेस्टोरेंट पे, सी व्यू पे, मैं बहन के किरदार को आजमा रहा था। तू सच कह रहा है? हाँ गुल्लू भैया, मैंने ऐसी बाहया बा किरदार औरत को डाला डाला, अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे अल्लाह, नहीं चुका उसने डाला, नहीं चुका। वो तो बड़ी शर्मो हया वाली है, मैंने तुम्हें आजमाया यार, कहीं इसका मियाँ लालची तो नहीं है? ओ नहीं, ओए ओए तौबा कर। अरे गुल्लू भाई, मुझे तो नहीं पता था ना कि तुम कैसे, खुददार आदमी तो हर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, तुम तो ही खुददार आदमी हो यार। ओए ओए, जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, और मांगा है तो सिर्फ उस रब से मांगा है। तुम्हें आजमाने के लिए मैंने फोन किया, गुस्सा दिलाया, चैलेंज दिया, याद आया? याद आया? ओए याद है, वो तभी तो तेरे ताला खोलने पे इतना गुस्सा आया मुझे तुझ पे। यही तो देखना चाह रहा था मैं कि मेरे भाई गुल्लू में गैरत है कि नहीं है, और मेरी बहन नीलोफर और मैं तुम्हारा साला कहलाने के काबिल हूं या नहीं। ओए शदी, तू सच कह रहा है? हाँ सच कह रहा हूं, और उस दिन के बाद से मैंने फैसला कर लिया कि अपना मकान आधा अपनी बेटी तारा और आधा अपने भाई गुल्लू और अपनी बहन नीलोफर के नाम कर दूंगा। मगरमच्छ की तरह आंसू मत बहा, कोई चीज ढूंढ, फिर तलाक लिख के दूं मैं। मुझे तलाक देने से तुम हीरो बन जाओगे क्या? हीरो नहीं भी बनूंगा ना, खुन्नस तो निकल जाएगी ना। खुन्नस तो दो मिनट में निकल जाएगी, मगर पछतावा तुम्हें सारी जिंदगी रहेगा। क्यों पछतावा रहेगा भाई मुझे? मैं दूसरी शादी कर लूंगा, जो मैं पहले ही चाहता था, किसी अमीर लड़की से शादी करना, मिली तू मुझे कंगली। अमीर लड़की तो तुम्हें पहले भी लिफ्ट नहीं कराती थी, अब तुम बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाएगी। क्यों नहीं लगाएगी मुंह? क्यों नहीं लिफ्ट कराएगी मुझे? पहले तो तुम सिर्फ गरीब थे, अब तो तलाक याफ्ता भी हो जाओगे ना। औरत चाहे अमीर हो या गरीब, वो कभी भी ऐसे आदमी से मोहब्बत नहीं कर सकती जिसकी पहले से एक बीवी हो। तो तेरा क्या ख्याल है, मैं बता दूंगा उसे कि मेरी पहले से शादी हुई भी है? मैं खुद बताऊंगी, वो भी जा जा कर। तुम्हारी और मेरी जो दुल्हा दुल्हन वाली तस्वीरें हैं ना, वो व्हाट्सएप पे भेजूंगी मैं। अबे तू तो बड़ी खतरनाक है। खतरनाक नहीं हूँ, तुम्हें चाहती हूँ बस। नहीं यार, वो मुझे जरूरत नहीं है तेरे मकान की। है तुम्हें नहीं है ना, मेरी बहन को तो है ना। अब तुम जैसा ऐसा खुददार आदमी इस महंगाई के दौर में क्या मकान बनाएगा? तुम तो गुलिस्तान जौर में एक झोपड़ी नहीं ले सकते। बस यार शद्दी, अल्लाह को रहम आते, देर नहीं लगती। हाँ तो कर दिया ना अल्लाह ने रहम, इस नेकी के बदले मेरे गुनाह बख्शे जाएंगे, तुम्हें मकान मिल जाएगा। पता नहीं तेरी शक्ल पे जो मकारी है ना, उससे लग नहीं रहा कि तू सच बोल रहा है। नहीं आ रहा ना यकीन। सुबह चलो, सुबह चलो वकील के पास, और मैं ये रजिस्ट्री तुम्हारे नाम करा दूं। लेकिन किस्मत मेरी, 5,000 नहीं है मेरे पास, ये मकान तुम्हारे नाम ट्रांसफर करा दो। है 5,000 पर नहीं बस, और इतना भी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, वो तूने बोला और मेरा दिल साफ हो गया, तू टेंशन नहीं। नहीं नहीं गुल्लू भाई, तुम्हारे पास 5,000 है, दो सुबह जाएंगे वकील को लेंगे और जाके रजिस्ट्री आपके नाम कराऊंगा।
है कुछ है? ओए ओए रहने दे, वो वैसे भी मेरे पास अभी 5,000 रुपए हैं भी नहीं। कुछ तो जेब में होंगे, बाकी मैं मिला दूंगा। कुछ वो नहीं, वो यार वो डीजल वाले को पैसे देने थे। हो जाएगा, हो जाएगा। लो, मेरे दोस्त वकील का भी फोन आ रहा है, बाद में बात करता हूँ इससे। मैं 2,000-3,000 में मिला लूंगा। सुबह चलेंगे? सुबह आ जाना, कोर्ट जाएंगे, रजिस्टरी कराएंगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा। कबूल फरमाएगा, ये नाम मैं आपके नाम कर दूंगा। घर छोड़ दूं? गाड़ी खड़ी है मेरी। और नहीं यार, तू आराम कर, मैं वैसे ही चले जाऊंगा। सुबह मुलाकात होगी और घर जाके नीलोफर जान, नीलोफर बहन जान को मेरा सलाम कहना। बिल्कुल मैं सलाम दूंगा, अपना दिल भी साफ कर ले। जो तुझे गालियां वालियां दी है ना, सह लेना, माफ कर देना। मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। मैंने भी माफ किया, मेरा भी दिल साफ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह सुबह मिलते हैं। खुश रहो, सलाम जरूर कह देना। हाँ तू भी बस अपना ख्याल रखना नीलोफर जान को। मैंने ना तुम्हारे लिए गाना सीखा है, सुनाओ। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मारे नाम करो। तुम्हारे पहर सही है, तुम्हारे से रोमांटिक बात क्यों नहीं करती? मुझे ऐसा रोमांस नहीं अच्छा लगता। हाय, वो तो मैं बस आर्ट क्लास तो पढ़ी, वरना वरना का कश्मीर फतह कर लेती। ये रोमांस की बात हो रही है, जंग ही नहीं। मैं ये कहने लगी थी कि तो मैं आर्ट क्लास तो पढ़ी, वरना अभी मैं किसी लंदन में किसी अमीर लड़के की बीवी होती। तो पढ़ा लिखा के लंदन में तारा अब्बा ले जाता? मेरे सगे मामू रहते हैं लंदन में, कुछ पता भी है? हाँ, वो भी बहुत अमीर। उनके बेटे से शादी करती? उनका बेटा नहीं है, उनकी बेटी है, मगर वो हमसे कोई ताल्लुक नहीं रखते क्योंकि हम जाहिल हैं ना। तो छोड़ ना, मामू की बातें रात को लेके बैठ गई, चल रोमांटिक बातें करते हैं। पढ़ाई की बात, चलो। याद है कल कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? हाँ, कल ठेले पे मैं याद कर लूंगा। नहीं, कल ठेले पे किसके साथ याद करोगे, कचोरियों के साथ? चलो चलो बताओ ये क्या है। तू बता ये क्या है। ऐप, ऐप पल, पल एप्पल, एप्पल ए ए एप्पल, बी नाना, बनाना, बनाना, सी मैओ। अंग्रेजी में बोलो, क्या बोलते हैं इसे? मैओ। नहीं पढ़ रहा तुम सीधे तरीके से। ओ अच्छा, सी सी कैट, कैट, सी कैट। आगे पढ़ो। ये क्या है? डाल, डी डाल। गुल्लू आ गया। अब मैं शूटिंग पे गई थी ना, उसको पता चल गया होगा। बड़ी सुनाने वाला है। कोई बात नहीं, चुप करके सुन लूंगी, जो कहेगा सुन लूंगी, कुछ नहीं कहूंगी। इतनी रात को चीखेगा तो महल्ले वाले क्या कहेंगे? देखो गुल्लू, मुझे बिल्कुल भी डांटने की जरूरत नहीं है और लड़ाई करने की तो जरूरत ही नहीं है। ओ नहीं, ओ ओ मैं तुझसे कौन सा लड़ रहा हूँ? ओ मैंने तो उस भले आदमी के चक्कर में तुझे भी डांट दिया। कौन भला? ओ वही शदी, हकीकत तो मुझ पे आज खुली है। कौन सी हकीकत? ओ वो तो तेरी शर्मो हया और मेरी गैरत को आजमा रहा था। क्या क्या आजमा रहा था, मैं समझी नहीं। अरे वो तो तुझे अपनी बहन बना के आधा मकान तेरे नाम करना चाहता है। कहीं करी ना दे वो। बात सुनो, मेरा ना उससे कोई चक्कर वक्कर नहीं था, और वो ना किसी को अपनी बहन बना ही ना ले, एक नंबर का कमीना और ठग है वो। ओए तौबा कर, तौबा कर, कानों को हाथ लगा। वो मेरी तरह दो भी शदी भाई को गलत समझ रही है, अच्छा आदमी है वो। एक बात बताओ,
कहीं उसने तुमसे कुछ पैसे तो नहीं लिए? देखो बात सुनो, वो ना ठगने में मास्टर है मास्टर। उंगली पकड़ाओगे ना तो पूरा हाथ पकड़ लेगा। ओए, वो गया तो था मैं उसे चुरा मारने, वो मैं अपनी जेब के सारे पैसे उसको दे आया हूँ। लो भाई, ठग लिया कंबाखन मारे ने। पता था, बहुत बड़ा कमीना शक्ति। क्या रहा, सुल्तान ने जाने वाने के लिए तो नहीं कहा तुझे? कहता बोलता तो बहुत कुछ है और मैं चुप करके सुनती रहती हूँ, कहीं तलाक ही ना दे बैठे। नहीं नहीं पागल हो गई, तलाक तो थोड़ी ना पहुंचेगी, बस धमका रहा है तुझे कागजों की वजह से। एक तो सुल्तान का ध्यान कागजों से हट जाए ना कमबख्त। शद्दी भाई उसको कोई रोल वोल दिलवा दे, जिंदगी आसान हो जाए। हाँ उसका ध्यान भले हट जाए भाई, मगर हमारा ध्यान इस बात पर से नहीं हटना चाहिए कि शद्दी भाई के हाथों से ये कागज निकलवाने ही है। पता है अब्बा बता रहे थे कि शद्दी भाई ने ना एक बहुत ही शानदार गाड़ी ली है, कहीं ये मकान तो नहीं बेच डाला? नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। तीन भाइयों के और पप्पू के होते हुए वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, और इमरान के होते हुए तो कभी ये कदम नहीं उठा सकते वो। तो फिर क्या करें? बस ये तरकीब सोचें कि शद्दी भाई के कब्जे से कागज कैसे निकाले जाए। एक काम करते हैं, तारा भाभी से पूछते हैं, अपने बाप को वो हमसे बेहतर ही जानती होगी ना। वो क्यों भला बताने लगी हमको, ये राय मशवरे क्यों देने लगी वो? वो क्यों चाहेंगी कि शद्दी भाई के कब्जे से कागज आ जाए वापस? क्यों भाई, ना आपको यूं पकड़ो या यूं पकड़ो, बात तो एक ही है, शद्दी भाई के कब्जे में कागज हो या तारा भाभी के। घर तो तारा भाभी के अंडर है ना अभी भी। मैं ना ये बात आज रात सुल्तान को समझाऊंगी। हाँ तो सुल्तान को समझा, जुगनू भाई भी यही चाहते कि शद्दी भाई के कब्जे से कागज वापस आ जाए। मैं इमरान से कहती हूँ कि जाकर ना लेकर आए कागज, समझी? चल तू चाय निकाल, मैं पराठे डाल रही हूँ, पप्पू कब से इंतजार कर रही होगी नाश्ते पर। अबे ओ सिंगल पसली पहलवान, ये तो ये फिर रहा भाई, हम तेरी दुकान पे कचौरियां खाने जा रहे हैं, तू वापस आ गया बंद करके। तुम लोग ना पहले डिसाइड कर लो कि किस चक्कर में आए हो तुम। डिसाइड यानी कि इंग्लिश, चेक कर रहे तू इसको, डिसाइड विसाइड क्या क्या मतलब, देख ले जरा जुगनू। तमीज से इज्जत है यहाँ पे। ये तो उर्दू में बात कर रहा है, इज्जत वावे देहाती, तू तो ठीक हो गया। अरे बात करो बात, चक्कर क्या है? हमें चक्कर वक्का कुछ नहीं है, बस हम बात करने के लिए आए थे। चल बे बात कर इसके साथ। हाँ देखो भाई, बात ये है कि हम लेने आए हैं मुसलमानों वाला एक्शन। मतलब ये है कि देखो, दुश्मन भी होवे ना तो जब उनकी लड़ाई हो जाए ना तो वो सारे आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। अब हम हैं तीनों भाई, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम तीनों भाई इकट्ठे जाकर शदी भाई से मकान के कागजात लेकर आए वापस। अरे मैं भी ये सोच रहा था कि अब तक तुम लोगों ने ये बात की क्यों नहीं। वाह तू यही सोच रहा था कि हम ये बात तुझे बोले, अब तुझे पता चल गया ना। चल चले आ जा। तुमने बात कर दी, बोल दी बात, अब तुम लोग जाओ, उसके लिए मैं अकेला काफी हूँ। नहीं यार तू हमारा भाई है, हम तुझे अकेले वहाँ पे नहीं भेज सकते, लेकिन तू इतना अच्छा भाई है कि हमारे बारे में ख्याल कर रहा है। अच्छा भाई है ये हमारा। चल यार तू अगर बोल रहा है तो जान, असल में प्रॉब्लम ये है ना यार, वो ससुर है ना मेरा, तो मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता ना यार, वो फिर तारा समझना यार। अरे अरे जोगनू भाई एक मिनट मेरी बात सुनो, जब वो मंजिला कह रहा है कि वो अकेला जाकर वहाँ पे बात कर लेगा तो अपन चलते हैं ना, छोड़ो ना वो निपट लेगा। चल चल आ जा। चल ठीक है, ध्यान से ससुर है मेरा, तभी से बात करियो। आ जा किया शद्दी, क्या टैकल किया तुमने? अरे नीलोफर ऐसे गुल्लू पता नहीं कितने मेरे नाखून में भरे रहते हैं। सही कह रहे हो, बेचारा पता नहीं क्या सोच रहा था, उसको तो समझ ही नहीं आया उसके साथ हुआ क्या है। अच्छा क्या कह रहा था? अच्छा छोड़ो उसे, ये बताओ कि अपना मकान मेरे कब नाम कर रहे हो? जब बोल तेरे नाम कर दूंगा मकान, मगर बहन बना कर नहीं।